वालेकुम माय डियर ऑल शाइनिंग स्टार्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बेसिकली मैनी ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट हाउ टू स्टडी एंड फॉर रिकंडक्ट, और लाइक ज़्यादातर का यही क्वेश्चन था कि हम लोग अपने स्टडी शेड्यूल को वापस से कैसे मेंटेन करें, क्योंकि ऑफकोर्स इतना ज़्यादा गैप आ गया है कि पढ़ाई की तरफ आते आते पेस बनते हुए बहुत टाइम लगता है। तो गाइज, पहले स्टार्ट किया जाता है अपने फेवरेट सब्जेक्ट से। लाइक बेसिकली जो भी आपको सब्जेक्ट पसंद है, आप उस सब्जेक्ट पे फोकस करें, देन उसको कवर करें, क्योंकि आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा तभी आप आगे जाके उन सब्जेक्ट्स पे आएंगे जिनको आप पसंद नहीं करते या फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है ऑफकोर्स। तो फिर आपने लाइक इन माय ओपिनियन बायोलॉजी बहुत ईजी होती है, लाइक बहुत ज़्यादा क्रैमिंग भी होती है, बट फिजिक्स बहुत ईजी होती है, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को मसला होता है जस्ट लाइक मी। तो आपने जो सब्जेक्ट भी आपका बहुत अच्छा हो उससे स्टार्ट लेना है, एंड देन आगे फर्दर फिर आपने पढ़ते जाना है। तो जैसे अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो इसमें 10 हमारे पास चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, और इसमें आपके पास डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स बहुत बड़ा आ जाता है। तो आपने स्टार्ट लेना है जैसे एंजाइम से ले लिया, सेल से ले लिया, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से ले लिया, एंड देन 3-4 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे अगर हम लोग बात करें डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स की, या फिर बायोनर्जेटिक्स की, या फिर अगर हम बात करें प्रोक्रियोट्स की, तो इसमें कुछ बहुत रट्टा है, क्रैमिंग है, तो ये फिर आप बाद में रख दें। तो ये चीज़ होती है स्टडी को स्टार्ट करने की। और याद रखें कि आईबी अगर टेस्ट लेगा, जैसे अभी तक आपको नहीं पता है कि ये टेस्ट कब है, तो आईबी अगर टेस्ट लेगा तो ऐसा नहीं है कि वो पीएमडीसी सिलेबस को फॉलो नहीं करेगा, या पीएमडीसी जो पैटर्न है कि इतने परसेंट हार्ड आएंगे एमसीक्यूज, इतने परसेंट रिकॉल बेस होंगे, इतने परसेंट ईजी होंगे, मॉडरेट होंगे, वो उसी चीज़ को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वो बिल्कुल पैटर्न के ऐसे ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर थ्योरी आ जाएगी, ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर न्यूमेरिकल आ जाएंगे, जैसे डाओ वालों ने किया था कि उन्होंने ज़्यादातर थ्योरी दी थी, तो ऐसा नहीं होता। एक ही पैटर्न में एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, अगर 15 न्यूमेरिकल हैं तो फिर 35 या 25 प्लस एमसीक्यूज होंगे थ्योरी के। तो इस बात के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए, क्योंकि ऑफकोर्स टाइम को भी देखना होता है कि 3 घंटे हैं और उसमें हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, बायोलॉजी भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, फिजिक्स भी करनी है, दोनों के न्यूमेरिकल्स हैं, फिर इंग्लिश भी करनी है, फिर लॉजिकल रीजनिंग भी करना है। तो डोंट थिंक अबाउट इट कि बहुत मुश्किल पेपर आ जाएगा या ज़्यादातर हमें सॉल्व करना पड़ जाएगा, न्यूमेरिकल्स होंगे, डोंट थिंक अबाउट इट। और मैंने ये भी सोचा है कि मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और इसके न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह सून आई विल अपलोड। ये बात से मुझे करनी थी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, तभी मैंने कहा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे ये आ गए तो आपके पास 10 चैप्टर्स हैं। अब इसमें आपको जो भी मुश्किल लगता है वो आप पहले करेंगे, क्योंकि पेज बन चुका होना चाहिए और आपने करना है, आपको नहीं पता कि डेट कब है, नहीं जितना भी टाइम है आपने एमसीक्यूज भी कवर करना है। लाइक लिटरली अगर 2 हफ्ते होते तो फिर मैं आपको कहती कि आपने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि हमारे पास कितना टाइम है और कितना टाइम नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चैप्टर करेंगे, देन उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। अगर चैप्टर के एमसीक्यूज नहीं करना चाहते तो एक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को आपने पूरा कर लिया, उसके बाद आप पास्ट पेपर सॉल्व कर लो, सही है, फर्स्ट ईयर के पूरे पास्ट पेपर सॉल्व कर लो, तो ये बहुत अच्छा सा आपके पास पैटर्न हो जाता है। एनटीएस के भी सॉल्व करने हैं आपने, आईबीए ग्रेड्स के भी आपने सॉल्व करने हैं, इसके अलावा आईबीए के पास्ट पेपर्स हैं वो भी सॉल्व करने हैं, 2000, 1999, इन सब में आईबीए ने पेपर कंडक्ट किया था, तो आपको पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे ईजिली। और एनटीएस के भी सॉल्व करने हैं क्योंकि उनके एमसीक्यूज जो होते हैं ना वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ऐसे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर की है फिजिक्स, वो भी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री एंड फर्स्ट ईयर बायोलॉजी थे, तो इसमें भी आपने ये वर्क एनर्जी है, ऑफकोर्स ये बहुत इजी चैप्टर्स हैं। अगर आप वेव्स थोड़ा मुश्किल है, मुझे पता है इसके एमसीक्यूज भी एनटीएस वाले बहुत मुश्किल देते थे, लेकिन फोर्स एंड मोशन, वर्क एनर्जी, इन सब में डेफिनेशन आ रही होती हैं या फिर इनके यूनिट आ रहे होते हैं, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि इनकी डायमेंशन क्या है, तो आपने बहुत बेसिक बेसिक कवर करना है, बेसिक ही पूछा भी जाता है, ये नहीं है कि डिटेल में घुस जाए और आपको बेसिक ना पता हो। रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने वो ज़रूर करना है, लाइक लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बहुत अच्छे से कवर करना है, आपको पता होना चाहिए कि बेसिक इन सब में कौन सी टर्म्स यूज़ हो रही हैं एंड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं, इसके न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोशन एंड फोर्स के भी एक दो एमसीक्यू ज़रूर आते हैं अबाउट न्यूमेरिकल, सो
दैट्स इट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आप प्रिपेयर कैसे करना है। जो सब्जेक्ट भी वीक है उसको पहले करना है एंड देन उस सब्जेक्ट पे आना है जो सब्जेक्ट आपका लाइक पेस बने। क्योंकि अगर हम स्टार्ट कर रहे होते हैं ना देन फिर हम स्टार्ट करते हैं कि मुश्किल है उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब पेस बनाना होता है तब हम स्टार्ट करते हैं उस सब्जेक्ट से जो हमें बहुत आसान लगता है, जिसमें हमें टाइम नहीं लगेगा और हम दिल से पढ़ लेंगे ताकि हमारा पेस बने। सो दैट्स इट, दिस इज़ इनफ। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। इंशाल्लाह यू ऑल विल मेक इट विद द गुड मार्क्स। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ।